अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के दो शातिर सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग को दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की 3 मोटरसाइकिल और एक बड़ा जनरेटर सेट बरामद किया है। ये शातिर चोर वाहन चुराकर रामगंगा नदी के पास झाड़ियों में छुपा देते थे। जब मामला ठंडा हो जाता था तो ये बाइक निकालकर दूसरे राज्यों में जाकर बेच देते थे। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके में बदमाशों द्वारा लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस इन वाहन चोरों की तलाश में थी। पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब चेकिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को रोककर उनसे मोटरसाइकिल के कागजात के बारे में पूछताछ की तो दोनों ही युवक मोटरसाइकिल का कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि चेकिंग में रोकी गई मोटरसाइकिल भी चोरी की है। दोनों ही युवकों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इनसे 2 चोरी की मोटरसाइकिल और एक बड़ा जनरेटर सेट बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी नासिर व नसीम ने बताया कि वो अपने 2 अन्य साथियों सतवीर व जयवीर के साथ उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में जाकर वाहन चोरी कर उन्हें यहां लाकर बेचते हैं और यहां से चोरी वाहन अन्य राज्यों में जाकर बेचते हैं। सिविल लाइंस ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर राज्य वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। ये वाहन चोर गिरोह जो है ये पंजाब और हरियाणा वहाँ से मोटरसाइकिल चुरा के या मुरादाबाद परिक्षेत्र में जो ज़िले हैं जैसे अमरोहा हो गया, मुरादाबाद हो गया, इन जगहों पे ये मोटरसाइकिल लेके आते थे और यहाँ से ये विभिन्न लोगों को बेचते थे। इस गिरोह के 2 लोग जो कि जिनके नाम है मोहम्मद नासिर पुत्र छोटे निवासी गिरजागर रोड इस्लाम नगर कादरी मस्जिद के पास थाना पागवाड़ा तथा एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति नसीम पुत्र हफीज अहमद निवासी ब्रह्मपुर मस्जिद के सामने थाना बिलारी इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 3 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। एक बुलेट रॉयल एलिफील्ड, एक पल्सर काले रंग की, एक स्प्लेंडर, 3 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त एक जनरेटर भी बरामद हुआ है जो इन्होंने मेरठ शामली हाईवे पे से किसी होटल में से उठाना बताया है। इनके अलावा 2 अन्य व्यक्ति इनसे पूछताछ में पता लगा है जिनके नाम है सतवीर सिंह और जयवीर सिंह। ये गजरौला जिला अमरोहा के निवासी हैं। ये भी इस गिरोह में शामिल हैं। इनमें से एक व्यक्ति जयवीर सिंह पंजाब में गिरफ्तार एक मुकदमे में इसी वाहन चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार होना बताया जा रहा है जिसकी तस्दीक की जा रही है और मोटरसाइकिल कहां से आई है इसकी भी तस्दीक की जा रही है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है कुछ भी? इनका दोनों का पूर्व आपराधिक इतिहास है। इन पे पहले मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। ये इन लोगों की जो हमारी डेली चेकिंग होती है रेगुलरली यहाँ पे तो संदिग्ध मोटरसाइकिलों वगैरह की चेकिंग होती है जिसमें ये एक जो इनके पास चोरी की जो मोटरसाइकिल थी बुलेट बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी जिस पे ये जा रहे थे तो इनसे उनको पकड़ा गया और पूछताछ में ये सब चीज़ें निकल के सामने आई। यह चोरी की मोटरसाइकिल बुलेट की हमें पता लगा है कि लगभग 35,000 से 40,000 रुपए तक की कीमत इन्होंने लगाई थी बुलेट जो कि जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 2,00,000 के आसपास है तो इस रेट पे इन्होंने बेचने की कोशिश भी की। सर पुलिस पूछताछ में इन्होंने वर्गीय सदस्यों के नाम बताए हैं? जैसा कि मैंने बताया कि 2 अन्य लोग जिनके बारे में ये बता रहे हैं इनमें से एक ऑलरेडी जेल में निरुद्ध है तथा दूसरे की हम तलाश कर रहे हैं उसको गिरफ्तार किया जाएगा।